हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिवा। और आज मैं आपके लिए कंप्लीट ब्राइडल मेकअप किट का वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि मैं एक एक प्रोडक्ट बताऊँगी जो हमारे एक ब्राइडल किट को कंप्लीट करता है। और अगर कोई न्यूली ब्राइड हैं जिनकी शादी हुई है या फिर होने वाली है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो मैं लेट नहीं करती हूँ। और अगर आपने मेरे वीडियो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर पहला प्रोडक्ट है हमारा बॉडी लोशन, तो आप मॉइस्चराइज़र भी ले सकते हैं। और इसके लिए मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो आप अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, वेरी ड्राई स्किन के लिए ये मॉइस्चराइज़र है एंड बॉडी लोशन है सॉरी, और ड्राई स्किन के लिए ये बॉडी लोशन है एंड फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए ये बॉडी लोशन है। और ये मेरे पास तीनों हैं और मैंने तीनों को यूज़ किया, और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है निविया की। एंड बॉडी लोशन के बाद मैं आपके साथ इसका एक दो किट शेयर करने वाली हूँ। अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर हुई है और आपके पास इस टाइप की किट नहीं है, तो आप ज़रूर लें। और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये दोनों मुझे 600 में मिली थी और ये मेरी शादी के टाइम की परचेजिंग है। तो अब मैं एक एक करके स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं स्किन केयर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। तो पहले मैं आपको स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें बताना चाहूँगी, तो स्टार्ट करते हैं। और मेकअप का बेस हमारा ये प्राइमर होता है, तो आप प्राइमर ले सकते हैं। और आप प्राइमर, अगर ये कलर बार का प्राइमर है और इसका प्राइस है 850 रुपीज़, बट अगर आपके बजट में नहीं है तो आप ब्लू हेवन का भी ले सकते हैं एंड या फिर पतंजलि का एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, क्योंकि इसे एज अ प्राइमर यूज़ किया जा सकता है। एंड इसमें मेरे पास एक और प्राइमर है और वो है लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर है। बट इसमें और कलर बार में एक डिफरेंस है, उसका जो टेक्सचर है वो ट्रांसपेरेंट है और इसका फाउंडेशन बेस्ड टेक्सचर है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हमारे चेहरे को थोड़ा सा अलग कर देता है कंपेयर टू दिस प्राइमर। तो आप, अगर आपका बजट है तो आप लैक्मे में भी जा सकते हैं और कलर बार में भी जा सकते हैं, बट मैं आपको कलर बार का प्राइमर रिकमेंड करूँगी। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये सनस्क्रीन। आप लोटस का सनस्क्रीन भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और आप लैक्मे का भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने उसे भी यूज़ किया है और वो भी बहुत अच्छा है। उसका मतलब उसका वो नहीं है, क्योंकि वो खाली था तो मैंने फेंक दिया था। और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है और इसका प्राइस है 350। एंड हाँ, मैं आपको सभी के प्राइस नहीं बताऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब जिस प्रोडक्ट का आपको प्राइस चाहिए आप बता सकते हैं। एंड फिर उसके बाद हम इस टाइप का मेकअप ब्रश भी ले सकते हैं और इसका यूज़ फाउंडेशन लगाते टाइम किया जाता है। एंड फिर उसके बाद एक और किट है मेरे पास वेगा की, इस टाइप की मिलती है और ये सारा मेकअप ब्रश है। और ये ब्लश अप्लीकेटर है, आई अप्लीकेटर है एंड आई शेडो ब्रश है, इसमें लिप फिलर है और लिप लाइनर है। तो ये इसमें करीब 3, 4, 5, 6 प्रोडक्ट्स हैं, तो ये करीब 500 का मिलता है और आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें पूरे के पूरे अप्लीकेटर्स हैं, ब्रशेज़ हैं, जिसकी ज़रूरत हमें एक मेकअप में पड़ती है। तो आप वेगा में जा सकते हैं, ये एक ब्रांडेड कंपनी और बहुत अच्छी है। एंड ये कौन भूल सकता है, इसे तो सबके पास होता है। तो ये जॉनसन बेबी का बड्स है, ईयरबड्स। आप इसे ज़रूर अपने किट में रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये मेकअप में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप इसे ज़रूर अपने किट में रखिए। एंड फाउंडेशन की बात करें तो ये आप लैक्मे का फाउंडेशन ले सकते हैं। फाउंडेशन आपका जो स्किन टाइप है या फिर आप जो भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, बट अपने किट में एक फाउंडेशन ज़रूर रखिए। और अगर आप
मतलब बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहते हैं तो आप मूज फाउंडेशन ले सकते हैं। मैंने अप्लाई मतलब इसे लिया था मतलब बस टेक्सचर टेस्टिंग के लिए, तो ये छोटा पीस है और इससे एक बड़ी पीस आती है वो 350 की है, लैक्मे की 9 to 5 वेटलेस मूज फाउंडेशन। और ये दूसरी है लैक्मे एब्सोल्यूट स्किन नेचुरल मूज मटेरियल, ये भी एक टाइप का फाउंडेशन है बट ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देता है। इसका प्राइस है 750 रुपीज़, बट इसका आपको भले ये लग रहा हो कि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है बट ये बहुत ज़्यादा चलता है और इसे करीब मैं 3-4 बार यूज़ कर चुकी हूँ बट बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ इसे मैंने यूज़ किया है। तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद फाउंडेशन के बाद ये कॉम्पैक्ट है मेरे पास 3 टाइप्स के, ये है लैक्मे का विद सनस्क्रीन है, आप ये कॉम्पैक्ट भी रख सकते हैं या फिर आप लोटस के भी रख सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है, या फिर आप लैक्मे का लैक्मे रेडियंट कॉम्पैक्ट भी रख सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट है तो आप इसे भी अपने किट में रख सकते हैं बट कॉम्पैक्ट ज़रूर रखिएगा। और बीबी क्रीम भी आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप बीबी क्रीम यूज़ करते हैं। बीबी क्रीम वैसे तो बहुत ही मतलब मीडियम कवरेज देता है बट ये अच्छा है, अगर आप मीडियम कवरेज चाहते हैं तो ये अच्छा है। एंड आप सीसी क्रीम में जा सकते हैं, लैक्मे 9 to 5 नेचुरल सीसी क्रीम, ये भी बहुत अच्छा लुक देता है बट मेरा फेवरेट ये है। तो अगर आप सीसी क्रीम ख़रीदना चाहते हैं और एक हाई कवरेज चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं बट बहुत ज़्यादा मीडियम नहीं, तो ये बेस्ट है, ये सीसी क्रीम आप ज़रूर रखें। ये मैंने अपने सेट के अकॉर्डिंग लिया है और ये अंडर 350 रुपीज़ में मिल जाएगा, इसका प्राइस है। और फिर टालकम पाउडर की बात करते हैं तो मैं वाइट टोन भी लगाती हूँ तो आप ये भी ले सकते हैं, इसका इसकी प्राइस है 75 रुपीज़। आप यार्डले भी ले सकते हैं, यार्डले भी बहुत अच्छा है। और ये निविया का टालकम पाउडर है और इसे मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है क्योंकि इसे मैंने यूज़ किया, ये बहुत अच्छा है। इसे मैंने शादी के टाइम पे लिया था और यार्डले का भी यूज़ किया लेकिन उसे उसका डब्बा नहीं है मेरे पास, उसे मैंने फेंक दिया है। और इसे मैंने यूज़ करने के लिए मंगाया, इसकी फ्रैग्रेंस मैंने बहुत मतलब इसकी फ्रैग्रेंस इसमें मेरे पास एक और पीस थी, ब्लू और वाइट दोनों थी, तो ब्लू वाली की जो फ्रैग्रेंस थी ये बहुत ही अंडर है तो वो मत लीजिएगा, मतलब उसकी फ्रैग्रेंस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन इसकी फ्रैग्रेंस बहुत अच्छी है तो इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है, इसकी रिपर्चेजिंग की है मैंने। और लूज़ पाउडर फिनिशिंग पाउडर आफ्टर मेकअप ये किया जाता है तो आप ये भी ले सकते हैं, ये लैक्मे 9 to 5 का नेचुरल का फिनिशिंग पाउडर है और बट इसका प्राइस है, इसका प्राइस थोड़ा हाई है, आई थिंक ये 400 या कुछ समथिंग में इसका प्राइस है, 400 या 300 में। और आप या फिर ये ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसे मैंने बहुत यूज़ किया है, ये लैक्मे का ये मेरा मेरा वाला शेड है, इसे मैंने परचेज़ किया था सबसे पहले और इसका प्राइस है 160 रुपये, तो ये हमारे बजट में भी आता है। और दूसरा ये है तो ये मेरे ऊपर उतना परफेक्ट नहीं होता बट ये दूसरा सेट था और बिल्कुल सेम लग रहा था तो मैंने इसे परचेज़ किया बट इसे भी मैं यूज़ करती हूँ, 160 रुपये इसका प्राइस है और इसे मैंने नायका से डिस्काउंट भी मंगाया था और ये करीब 136 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। तो नायका से अगर आप परचेसिंग नहीं करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिए क्योंकि उस पर बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र आते हैं। और ये 600 या 700 के करीब है और ये कलर बार का वो कंसीलर विथ फाउंडेशन है, ये कुछ इस टाइप का आता है, एक सेकंड मैं इसे फोड़ के दिखाती हूँ, ये फाउंडेशन स्टिक है और ये बहुत अच्छा है, इसे मैंने एक बार यूज़ किया है बस अभी लेकिन ये एक ही बार में बहुत अच्छा है, ये इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और कलर बार का ये सिंबल है ब्रांड का। तो ये रही मेरी स्किन केयर से रिलेटेड
और अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ, एक सेकेंड। तो ये मेरा दूसरा क्रेट है और दोनों मैंने 600 में किया था, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी परचेजिंग थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा। और अपने किट में एक मिरर ज़रूर रखें, क्योंकि मिरर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये मिरर मुझे 50 रुपीज़ का मिला है, 50 रुपये का है बस, बहुत सस्ता है। और जब मैंने शादी के टाइम मैंने मिरर ख़रीदा था, वो ख़राब हो गए तो उसे मैंने फेंक दी। और ये मेरी रिसेंटली की परचेजिंग है, तो अपने किट में मिरर ज़रूर रखें। एंड नेक्स्ट परचेजिंग है मेरी, ये भी मेरी शादी के टाइम की है। इसे मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे आई शेडो और हाइलाइटर ब्लशर लगाने का उतना शौक नहीं है। बट एक ये था कि हाँ, शादी हो रही है तो इसे ख़रीदना ही है। बट मैं अब इसे यूज़ करती हूँ, और एक दो बार मैंने यूज़ किया है, तो उस समय में मैंने भले यूज़ नहीं करती थी, बट ये सोच के लिया था कि अगर न्यूड शेड की ज़रूरत पड़े तो मैं न्यूड में भी चले जाऊँ, और थोड़ा डार्क की ज़रूरत पड़े तो डार्क में भी चले जाऊँ। तो पिंक भी है और न्यूड शेड भी इसमें इंक्लूडेड है। और ये 950 की है, लैकमे की आई शेडो है, लैकमे एब्सोल्यूट की इल्यूमिनेटिंग आई शेडो पैलेट है ये। इसका प्राइस है 950 रुपये। और नेक्स्ट है ये ब्लशर और हाइलाइटर, और ऑफ कोर्स मैंने इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बस एक या दो बार बस मैंने इजीली इसे यूज़ किया। तो ये ब्लश एज अ ब्लश और एज अ हाइलाइटर दोनों का यूज़ हो सकता है इसका। तो इसमें कोई इतनी फ्रैग्रेंस भी इसकी नहीं है, मैंने चेक किया था, इसका फ्रैग्रेंस भी उतना वो नहीं है। तो आप इस अगर आपको हाइलाइटर और ब्लशर पसंद है तो अपने किट में ज़रूर रखिए, अगर आपको लगाने का बहुत शौक़ है तो। और नहीं शौक है तो प्लीज़ मत परचेज कीजिए, नहीं तो फालतू में पैसा वेस्ट है। बट अब मैं इसे यूज़ करती हूँ, उस टाइम मैं नहीं यूज़ करती थी, तो उस टाइम मुझे ना इसकी ज़रूरत थी ना इसकी ज़रूरत थी, बट फिर भी मैंने लिया, क्योंकि मेरी शादी हो रही थी तो ऑफकोर्स ख़रीदना है। एंड देन नेक्स्ट प्रोडक्ट था मेरा ये लिक्विड सिंदूर। तो इन दोनों को मैंने बस एक ही बार यूज़ किया है, ये मरून शेड है लोटस का, 131 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और ये कलर बार का रेड सिंदूर है, इसे भी मैंने एक बार यूज़ किया, ये दोनों अच्छे हैं। लिक्विड सिंदूर आई थिंक ब्रांडेड सब अच्छे हैं। ब्लू हेवन का ये बजट फ्री सिंदूर है, इसका प्राइस 65 रुपीज़ है शायद, तो ये बहुत ही ज़्यादा बजट में है, तो आप चाहें तो इसे भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये लोटस का सिंदूर है लिक्विड, ये 131 रुपीज़, दोनों बहुत अच्छी है। बट मेरी माने तो शादी के टाइम पे हम, मतलब शादी के बाद हमारे ससुराल से इस टाइप का एक सुहाग का वो आता है, ये भी मैंने अभी तक रखा हुआ है, तो इसमें हमें मिलता है। तो आप ये ही वाला कम से कम, अगर आप ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं कर सकती हैं तो कम से कम एक महीना यूज़ करें। मैंने करीब 1.5 साल, पूरी की पूरी 1.5 साल मैंने सूखी सिंदूर लगाई है। और हाँ, आप इसके लिए एक अलग से सिंदूर दानी ले लें। मेरे पास एक चांदी की भी आई थी, बट उसमें ना निकल जाता था मुझसे, तो मैंने एक दूसरा लिया। ये देखिए, ये एक्चुअली ना मैं गई थी बॉम्बे, तो वहीं से मैं सिंदूर ये ख़रीदा था, सीता गुफा से शायद, हाँ सीता गुफा से। तो उसमें मैंने ये वाला सिंदूर थोड़ा सा मिक्स कर दिया। तो आप इस तरीके से आप अपने सिंदूर को सेफली तरीके से आप रख सकते हैं कहीं भी कबर्ड में, तो उसमें दिख भी नहीं रहा और अच्छा भी लग रहा है, तो आप इसे रख सकते हैं। लेकिन आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ लिक्विड सिंदूर ना लगाएं, सूखी सिंदूर ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये परफ्यूम। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये परफ्यूम, और इसे मैंने मिनिसो से लिया था, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इसका नाम है सनराइज़। तो अपने किट में एक परफ्यूम भी आप ज़रूर रखें। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा आईलाइनर। तो अगर आप आईलाइनर लगाते हैं तो अपने किट में आईलाइनर ज़रूर रखें। और ये लोटस का आईलाइनर है, और ये बहुत अच्छा इसका एप्लीकेटर है, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। तो आप अपने किट में आईलाइनर भी ज़रूर रखें अगर आप लगाते हैं। और ये आईलाइनर मतलब इसकी वजह, मतलब इसकी हेल्प से हम आईलाइनर को परफेक्टली लगा सकते हैं, बट मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसे आपको नहीं रिकमेंड करूँगी।
और नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये लोटस, हमारा ये लिप लाइनर। तो अपने किट में एक लिप लाइनर ज़रूर रखें और वो न्यूड कलर में लें, क्योंकि ये न्यूड कलर में है और ये लिप कलर में मैंने एक्चुअली इसे लिया है, ये लिप कलर है इसका, ताकि ये मैं किसी भी लिपस्टिक पे आराम से ले लूँ। और शुरुआत में बहुत सारे सामान लेने होते हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा बजट का ध्यान रख के हमें सामान खरीदने होते हैं। तो अगला प्रोडक्ट है हमारा काजल। तो ये मैंने शादी के टाइम खरीदा था काजल लोटस का, तो आप ये लोटस का काजल भी ले सकते हैं। और इसका रेंज मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक इसका रेंज का बहुत महंगा नहीं होगा, 200 या 250 में, या फिर अंडर 100 रुपीज़ होगा इसका प्राइस। और दूसरा है ये LE18 का काजल ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। और इसको मैं निकाल देती हूँ, ये देखिए ये काजल बहुत अच्छी है, तो आप इसे भी ले सकती हैं। और इसका प्राइस सिर्फ शायद अंडर 100 रुपीज़ है। और ये लैक्मे का काजल है और इसे मैं अभी रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा काजल है, ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है। लैक्मे एब्सोल्यूट कूली अल्टीमेट काजल है ये, और ये करीब 400 का मुझे मिला था। आई थिंक इस पर डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने इसे परचेज किया था। और इसमें स्मजर भी है, तो आप इसे भी ले सकते हैं और इससे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होता है। तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये काजल बहुत अच्छा है। एंड फिर उसके बाद, या फिर आप ये भी ले सकते हैं, ये भी लैक्मे का काजल है और इसका प्राइस है 76 रुपीज़। ये बजट फ्रेंडली काजल है और लैक्मे के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, बस मुझे लैक्मे के आईलाइनर से शिकायत है, वो भी अप्लीकेटर के उसके। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये ये आईब्रो पेंसिल। तो आप लैक्मे की आईब्रो पेंसिल ज़रूर लें, और अगर आप ग्रे कलर की लगाते हैं तो ग्रे भी ले सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो, बट एक आईब्रो पेंसिल ज़रूर लें। और लैक्मे की अगर आप लेना चाहती हैं तो लैक्मे ले लें, क्योंकि लैक्मे की आईब्रो शायद पेंसिल 60 रुपये की है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये परफ्यूम, सॉरी सेटिंग स्प्रे है ये। मेकअप के बाद अगर आपकी शादी गर्मियों में हो रही है तो इसे ज़रूर लें, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो मेकअप है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकती है, आई थिंक 10 या 15 घंटे तक आराम से रह सकती है। तो आप ये सेटिंग स्प्रे बहुत ये ज़रूर लें, और आप इसे भी ले सकती हैं या फिर कोई और भी ब्रांड की ले सकती हैं। बट अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो आप मैक का सेटिंग स्प्रे लें, उसकी रिव्यू बहुत अच्छी है। अभी तक मैंने उसे परचेज़ नहीं किया बट मैं उसे ज़रूर परचेज़ करूँगी, तो आप ये भी ले सकते हैं। और इसका प्राइस है 800, और ये मुझे मिला था, ये देखिए इसका प्राइस है 800। तो अपने किट में सेटिंग स्प्रे ज़रूर रखें, और ये मुझे फ्री मिला था लोरियल की, मैंने लिपस्टिक 1000 की परचेज़ की थी उस पर, और साथ में ये किट भी मिला था। और मस्कारा आप ले, आपको जो भी मस्कारा पसंद है, और ये मेरी मेबलिन की मस्कारा है, तो आपको जो भी पसंद है आप वो मस्कारा ले सकती हैं। एंड प्लकर फॉर ब्लैक हेड्स, तो इसे ज़रूर परचेज़ करें, ये बहुत सस्ता मिलता है, ये 15 रुपये की मैंने इसे परचेज़ किया था, तो आप इसे ले सकते हैं। एंड फिर उसके बाद इस टाइप का छोटा किट भी ज़रूर रखें, ताकि आप अपने हैंडबैग में भी अपने सारे प्रोडक्ट्स एक अंदर रखें, फिर उसके बाद हैंडबैग में आप इसे आराम से रख सकें, ठीक है। तो इस टाइप का भी किट ज़रूर परचेज़ करें। इसमें सारे मेरे लिपस्टिक हैं, तो एक मिनट मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो इस बैग में मेरे सारे लिपस्टिक हैं, तो एक एक करके मैं आपको सारे अपने लिपस्टिक दिखाती हूँ। तो इसे मैं यहाँ साइड में रख लेती हूँ, एंड देन अब मैं एक एक करके दिखाती हूँ आपको लिपस्टिक। तो ये डिब्बा निकाल दिया था मैंने, ये पहली लिपस्टिक है मेरी, ये 9 to 5 की लिपस्टिक है ये, लैक्मे की। मैं इसे इसका कलर दिखाती हूँ, और ये पिंक कलर में है, परफेक्ट पिंक कलर में। इसका ये कलर देखिए, ये बहुत ही अच्छा कलर है, परफेक्ट पिंक कलर है। और सेट नंबर है MP12।
ये है MP12 पिंक परफेक्ट, और इसकी क्वांटिटी है 3.6 kg की। तो आप इसे अपनी किट में रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पिंक कलर में लिपस्टिक है, और इसका प्राइस है 500। और अगर आप इसे नायका से परचेस करते हैं तो आराम से ऑफ़र जब चलता है देन आप 300-350 में इसे परचेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास ये दो न्यूड लिपस्टिक है नायका की, 199 और 199 की। तो आप इसे भी अपने किट में रख सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है बट ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इन दोनों में डिफरेंस है। बट मैं आपको प्रिफर करूँगी कि इसका बुलेट मुझे बहुत कमज़ोर लगता है, हालांकि है नहीं बट लगता है कि टूट जाएगा। तो आप जब भी लें तो बड़ी वाली साइज ले लें, वो 400 की मिलती है। अगर आपके बजट में है तो आप 400 की ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने प्राय मतलब आप मिनी भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। एक का सेट नंबर है 15M सिनेमन क्रंच, और एक का है 48M टोट्स नेचुरल। तो आपको जो पसंद हो आप ले सकते हैं। एंड ये लिपस्टिक है 120 रुपये की, और इसका नाम है ML। ये इस ब्रांड नेम है ML। ये कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं है क्योंकि मैंने इसे मतलब इसे अपनी शादी के टाइम पे ख़रीदा था। और ये लिक्विड लिपस्टिक है, 2-in-1 है। ये देखिए यहाँ पे ये वाइब्रेंट रेड कलर की है, एकदम रेड है, खूनी रेड नहीं होती वो वाली रेड है। ये बहुत ही अच्छी, ये इसको भी मैंने एक दो बार अप्लाई किया, ये भी अच्छी है। और ये मुझे पर्टिकुलरली वहाँ पे मिल गई थी। आप इसको अप्लाई करने के बाद अगर ये बहुत अच्छी मैट लुक देती है, और अगर आप इसे ग्लॉसी लुक देना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर ये भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये 2-in-1 लिपस्टिक है और इसका प्राइस है सिर्फ 120 रुपीज़ की। तो ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है ML। ये शादी ये मिले आपको क्योंकि इसे मैंने पर्टिकुलरली दुकान से लिया था, तो मुझे नहीं पता कि ये ऑनलाइन मिलती है कि नहीं मिलती है, बट ये तीनों ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएगी। और ये मेबलिन न्यूयॉर्क की और 25 हीरोइन लिप कलर है, इसका सेट नंबर है, और ये एक लिक्विड लिपस्टिक है। मैं आपका ये इसको निकाल के दिखा देती हूँ। एंड टेंजरीन रेड ऑरेंज कलर की है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट ऑरेंज कलर, एकदम बहुत अच्छा है। और इसका स्मेल एकदम चॉकलेट की तरह, और बहुत ही क्रीम मतलब बहुत ही अच्छा मैट लुक देती है। और इसका प्राइस है 650 रुपीज़। आप चाहो तो इसे भी अपने किट में रख सकते हो। और नेक्स्ट लिपस्टिक है मेरी ये लैक में 9 to 5 की वेटलेस मैट मूज लिप चिक कलर की। ये भी बहुत अच्छी है, इसमें थोड़ा सा जैसे ग्लिटरीनेस है, ग्लिटर टाइप का इसमें चमकता है। ये भी ऑरेंज कलर में, और मुझे ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, रेड भी पसंद है बट ऑरेंज भी बहुत पसंद है। और इसका टेक्सचर मतलब इसको लगाने के बाद आपका लिप्स बिल्कुल मैट लुक देगा। और इस लिपस्टिक का प्राइस है 625, और ये करीब मैंने 499 रुपीज़ की लिपस्टिक खरीदी थी, उस समय ऑफ़र चल रहा था। ज़्यादातर मैंने लिपस्टिक ऑफ़र में ही परचेज़ की है। एंड ये लिपस्टिक देखिए, ये लिपस्टिक मेरी शादी की लिपस्टिक है, तो इसे मैंने 1.5 साल पहले ख़रीदा था और ये इतनी ख़त्म हो चुकी है। और ये मरूनिस कलर में 9 to 5 लैक में की है, और शादी के टाइम पे मैंने बस एक ही लिपस्टिक परचेज़ की थी क्योंकि उसके पहले हम लोग लिप बाम लवर होते हैं। तो ये मेरे पास बस एक लिपस्टिक है, ये पहली परचेजिंग है मेरी शादी के टाइम की। तो ज़रूरी नहीं है कि आप
हर लिपस्टिक खरीदें, एक ही दो खरीदें बट अच्छा खरीद लें, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक थी, अभी भी चल ही रही है। और ये लोटस का है, ऑरेंज एनवी इसका सेड है और ये ऑरेंज कलर में है और ये 270 रुपये की मैंने इसे परचेज़ किया था। इसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता बट 200-250 में था ये, और सेट नंबर है ये 598 और ऑरेंज एनवी है। और अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल भी हैं ना तो आप इसे ले सकती हैं और अपने किट में भी, ब्राइडल किट में भी इसे रख सकती हैं, ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। और लिपस्टिक के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए, आपको अगर कोई पसंद आती है तो आप ज़रूर इसे परचेज़ करें। और ये न्यूट सेड है, कॉफ़ी कलर में नहीं कहेंगे बट हल्के पिंकिश कलर में है, ये न्यूट सेड में है। और ये लॉरियल के से ख़रीदी थी मैंने और इसका सेट नंबर है 232। बीच कंटूर ये एक मैट लिपस्टिक है एंड ये, इन दोनों को मैंने साथ खरीदी थी और ये रेड कलर में, और ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा एकदम वाइब्रेंट रेड कलर नहीं होता बिल्कुल वैसा, और ये ब्राइडल परफेक्ट लिपस्टिक है, इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। और इसका सेट नंबर है 266 प्योर रग, और ये भी मैट लिपस्टिक है। और इन दोनों लिपस्टिक पे मुझे ये सेटिंग स्प्रे फ्री मिला था लॉरियल का ही, और ये बैग भी फ्री मिली थी, तो ये मेरी बहुत अच्छी परचेजिंग थी 1000 की। और ये एली 18 की है, कलर पॉप मैट लिपस्टिक, और ये 100 रुपीज़ की है। और इसका ये एली 18 की दो लिपस्टिक है, एली 18 कलर पॉप मैट लिपस्टिक की, और पहला ये कलर है पिंक कलर में है, और इसका सेट नंबर है R31। ये भी बहुत अच्छी लिपस्टिक है, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी लिपस्टिक परचेज़ करें, बजट फ्रेंडली लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है, तो ये एली 18 में आप जा सकते हैं, आप एली 18 की लिपस्टिक भी परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरी ये रेड ऑरेंज का मुझे मिक्स लगता है, ये ऑरेंज दिखने में लग रहा है बट ओरिजिनली अगर आप देखेंगे कैमरे पे दिखने में बिल्कुल ऑरेंज लग रहा है बट ये रेड और ऑरेंज का मिक्स है। और इसका सेट नंबर है P28, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। 100-200 मतलब पैसे की बात नहीं है बट अगर बजट फ्रेंडली, ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर ये खो भी जाती है तो उतने अफसोस नहीं होगा, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है। और दो और मैं आपको लिपस्टिक दिखाना चाहूँगी, ये लिप क्रेयॉन है, अगर आप लिप क्रेयॉन नहीं लगाते तो आप ज़रूर लगाएं, ये मैंने लैक्मे की दो लिप क्रेयॉन मंगाई है, एक बेरी रेड लिप क्रेयॉन है और एक पिंक ब्रस्ट है, और ये 06 पिंक ब्रस्ट है और ये 01 बेरी रेड है, और ये 225 रुपये की है, मतलब ईच 225 225, और ये दोनों बहुत अच्छी है, तो आप अगर लिप क्रेयॉन नहीं लगाते तो आप इसे भी ज़रूर लगाएं। और एली 18 की भी लिप क्रेयॉन मैंने मंगाई है, देखिए अगर वो मुझे मिलती है तो, जब मिल जाएगी तो मैं उसका भी रिव्यू बहुत जल्दी करूँगी, तो अगर आप अपनी किट में इसे रखना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर रखें, और इसे रखें ज़रूर, खासकर इसको, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही अच्छी लिप क्रेयॉन है, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है और ये तो मुझे आज ही रिसीव हुई है। एंड नेक्स्ट लिपस्टिक है मेरी ये मेबलिन की रेड सेंसेशन कलर नाम है इसका, रुकी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, और ये बिल्कुल रेड कलर में, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा मैट लुक है, इसको लगाने के बाद ना बिल्कुल जैसे लगेगा क्रीम की तरह, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि लिप पे कुछ है कि नहीं है,
और इसका सेट नंबर है 02 एसी रेड। और ये मेरी लास्ट लिपस्टिक है लैक्मे एब्सोल्यूट की, ये भी एक मैट लिपस्टिक है। ये देखिए, इसे मैंने अभी तक एक बार भी अप्लाई नहीं किया है, बट ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे। ऑब्सेसिव ऑरेंज, और ये ऑरेंज कलर में थी इसलिए मैंने इसे मंगाया था। 401 नंबर है ऑब्सेसिव ऑरेंज। तो अगर आप बजट में मंगाना चाहते हैं तो आप इन दोनों को ज़रूर मंगा सकते हैं, बट अगर आपको बहुत सारे सेट चाहिए और तो अंडर 1000 मैंने हुडा ब्यूटी लिपस्टिक का रिव्यू किया था, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप वो भी वैसे भी लिपस्टिक परचेस कर सकते हैं। एंड एक शार्पनर, लैक्मे का शार्पनर ज़रूर रखें, लिप क्रेयॉन के लिए बहुत अच्छा शार्पनर है, और इसे मैंने अपने शादी के टाइम पे इसे परचेस किया था। ड्यूल शार्पनर है ये मैं दिखा रही थी, तो इसे भी अपने किट में ज़रूर, ये क्लचर भी ज़रूर रखें मेकअप किट में आपको, मतलब ज़्यादा क्लचर ना लें, एक दो क्लचर लें। ये तो मेरी 2 साल की करीब कलेक्शन है, इस वजह से ये ज़्यादा है। एंड आप पिंस भी ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इस टाइप के पिंस और साड़ी पिंस भी अपने किट में ज़रूर रखें। एंड जूरा पिन और टिक टैक पिन भी अपने किट में आप ज़रूर रखें इस टाइप में। और फिर नेक्स्ट ये इस टाइप में बिंदी भी आप ज़रूर परचेज़ करें, और ये सारे बिंदी, और जो मैं ये सारे मेरे कलेक्शन है बिंदी के, जब मुझे कभी कभार ज़रूरत पड़ता है तब मैं इसे निकालती हूँ, नहीं तो आप छोटा सा बस अपना बिंदी कलेक्ट करके लाइक शादी में, पार्टी में, या फिर रिसेंटली मतलब आप नए घर में जाती हैं तो आप इस टाइप के बिंदी लगा सकती हैं। बट मैं ज़्यादा प्रिफर करूँगी कि आप सिंपल बिंदी लगाएं इस टाइप में, और ये बेस्ट बिंदी मुझे लगती है इसका। मेरा ख़त्म हो गया है, ये शिल्पा बिंदी है, और इसे ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। ये बस 10 रुपये के रेंज में आती है, और ये सब 5, 10, 30 रुपये ऐसे हैं। और फिर अगला जो प्रोडक्ट है ये वो है ये नेल कटर, और नेल कटर ज़रूर होना चाहिए हमारे किट में, तो आप अपने किट में ज़रूर नेल कटर रखें। एंड ये ब्लेंडर, जिसके इसके थ्रू फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर रखें। अगर आप इसे यूज़ करते हैं और यूज़ ना करने आता हो तो आप सीख लें, बहुत अच्छी तरीके से इससे फाउंडेशन मतलब बहुत फेस पे बहुत अच्छे से फाउंडेशन लग जाता है। और ये है नेल रिमूवर, आप इस टाइप का नेल रिमूवर भी ले सकते हैं। ये जो आप बीच में ब्लॉक देख रहे हैं इसमें बस अपने नेल को डाल के 30 सेकेंड तक अगर आप बस इस तरह हिलाएंगे तो तुरंत इंस्टेंटली नेल पॉलिश रिमूव हो जाएगा। तो आप नेल पॉलिश रिमूवर इस टाइप का भी रख सकते हैं, ये फेस कनाडा का नेल पॉलिश रिमूवर है, या फिर आप इस टाइप का भी नेल पॉलिश रिमूवर रख सकते हैं, और कॉटन के थ्रू नेल पॉलिश बस रिमूव करना होगा, या फिर सिंपली इस टाइप का भी आप रख सकते हैं जो कि बस कॉटन निकाल के तुरंत नेल पॉलिश। और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है तो ये बहुत अच्छा है, बट ये भी बहुत अच्छा है ये वाला, तो आप जो भी लगाना चाहें, आप मतलब जो भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं ये कॉटन। और इस तरीके से कुछ पर्ट्स अपने पास रखें हमेशा, और आप हैंड क्रीम भी आपके किट में ज़रूर होना चाहिए, मस्ट है ये, तो आप हैंड क्रीम भी रख सकते हैं। तो आप चाहें तो हैंड क्रीम और निविया का रख सकते हैं, ये बजट फ्रेंडली है, 19 रुपीज़ का ही है शायद ये, और या फिर आप चाहें तो हर्बल खादी का भी रख सकते हैं, ये नेचुरल हैंड क्रीम है, या फिर नायका का भी आप हैंड क्रीम रख सकते हैं, ये थोड़ा एक्सपेंसिव 250 का है, बट आप चाहें तो आप इसे भी रख सकते हैं।
और अगर आपको मतलब हैंड क्रीम नहीं खरीदना चाहते तो इस टाइप का नेविया मॉइस्चराइजर को भी एज अ हैंड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और क्लींजर भी, फेस क्लींजिंग करने के लिए, मेकअप रिमूव करने के लिए ज़रूर मेकअप रिमूवल ज़रूर लें। क्रीम क्लींजिंग मिल्क या तो आप लैक्मे का भी ले सकते हैं या फिर आप गार्नियर में भी जा सकते हैं, दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं। और अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो कोई भी मॉइस्चराइज़र जो थोड़ा सस्ता हो, तो इसे भी मैं एज अ फे मतलब इसे भी मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ, या फिर जॉनसन बेबी का जो छोटा सा तेल आता है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे चेहरा बहुत ही नरिशिंग रखता है और मेकअप भी रिमूव हो जाता है। और फूड क्रीम के लिए, फूड केयर क्रीम के लिए आप हिमालय में जा सकते हैं, ये बहुत ही कम रेंज का है, 50 रुपये का है। या फिर वादी का भी फूड क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, ये वादी का फूड क्रीम है और इसका रेंज मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 150 के करीब होगा, ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप अपने किट में क्लचर ज़रूर रखें, डिफरेंट टाइप के छोटे बड़े क्लचर ज़रूर रखें, ये मस्ट प्रोडक्ट है। और इस टाइप में बिंदी भी आप अपना ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बिंदी, जैसी आपको बिंदी पसंद हो। और ये जो दिख रही है इसमें छोटी छोटी बिंदियां हैं जो खुल गई थी डिब्बे से, तो मैंने इसको भी रख दिया, तो आप इस टाइप की बिंदीज रख सकते हैं। और इस टाइप की जोड़ा पिन भी आप अपने किट में ज़रूर रखें, टिक टैक पिन भी ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, तो आप इन सबको ज़रूर रखें। और इस टाइप की पिंस भी, सेफ्टी पिंस तो मस्ट है, तो सेफ्टी पिंस ज़रूर रखें और साड़ी पिन भी ज़रूर रखें। और आप अपने किट में लिप बाम ज़रूर रखें, ज़रूर ज़रूर, ये लिप बाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लिपस्टिक से पहले अगर लिप बाम अप्लाई करें तो बहुत अच्छे से आपके लिपस्टिक का लुक बहुत ही अच्छा मैट लुक होता है। आप चाहें तो वैसलीन जेली भी एज ए लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा बजट नहीं है तो। और आप बायोटिक में भी जा सकते हैं, बहुत मेरे पास लिप बाम के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आप चाहें तो ये ब्लू हेवन का भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और ये नायका का भी आप लिप क्रेयॉन यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी है ये लिप क्रेयॉन इस टाइप में, बट ये 200 समथिंग में है ये। या फिर आप वादी हर्बल का, बट मैं आपको वादी हर्बल का रिकमेंड करूँगी क्योंकि वादी हर्बल के लिप बाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये सब तो मैंने न्यू सेट मंगाए हैं, बट एक लिप बाम है जो मैं वादी हर्बल का ज़रूर यूज़ करती हूँ, वो है स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है उसका, बहुत अच्छा है वो, और पूरे चैप्ड लिप को तुरंत रातों रात वो एकदम सही कर देता है। और या फिर आप हिमालय के भी लिप बाम जा सकते हैं या फिर बेबी लिप्स, तो ये तो सब लगाता है, आई थिंक ये सबके पास होगा। तो आप एंड हाँ, मैंने आपको डे और नाइट क्रीम का नहीं बताया था, तो डे और नाइट क्रीम भी अपने किट में ज़रूर रखें। और ये मेरा वादी का लिप बाम है जिसके बारे में मैं बोल रही थी, और या फिर आप ममा अर्थ का लेना चाहते हैं तो ममा अर्थ का भी ले सकते हैं, ये 600 में मिलती है। या फिर आप लैक्मे में जाना चाहते हैं तो लैक्मे में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और लोटस के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड हाँ, अगर आपको रोल ऑन लेना है तो अंडर आर्म रोल ऑन ले सकते हैं, और अगर आपके अंडर आर्म बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं तो आप ये वाला लें, और अगर मतलब ब्लैक नहीं है, क्लियर है, तो आप ये वाला भी रोल ऑन ले सकते हैं। 150 अंडर 150 आराम से मिल जाएगा, अंडर 150 रुपीज़ ये आराम से मिल जाएगा। एंड अपने किट में ये क्रंचीज़ ज़रूर रखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रंचीज़ अपने पास ज़रूर रखें, ज़रूर। और इसे मैंने स्टोर करके निविया के बॉक्स में रखा है। एंड नेक्स्ट है हमारा ये कॉटन पैड, इसे ज़रूर अपने किट में रखें, कॉटन तो मस्ट है, आप कॉटन पैड्स रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मस्ट है। और फेस वाइप भी अपने किट में ज़रूर रखें, ये मेरे पास दो है, एक मामा अर्थ का एक कायरा का है, कायरा का। और फेस पैड भी ज़रूर रखें, ये कॉटन पैड्स है, तो इसे कॉटन पैड्स को भी ज़रूर रखें, ये मैंने न्यू मंगाए हैं।
और अगर क्योंकि इससे पहले मैं ये वाला यूज़ कर रही थी, ये TS वाला, ये भी बहुत अच्छा कॉटन पैड है, 89 रुपीज़ का है। इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है और ये ब्रॉन्ज का है, तो इस बार मैंने ब्रॉन्ज का मंगाया, देखती हूँ यूज़ करके कि कैसा मतलब मिलता है, क्योंकि ये बहुत इसका बहुत ह्यूज डिस्काउंट था, 200 का था, तो आई थिंक ये करीब 94 रुपीज़ का मैंने मंगाया, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा ह्यूज डिस्काउंट था, तो मैंने ये परचेज़ किया है। और पैड्स भी ज़रूर रखें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर रखें और अपने बैग में भी ज़रूर रखें, ये पैड सबसे अच्छा है ये वाला, तो आप ये भी रख सकते हैं। एंड अब मैं थोड़ा सा हेयर केयर के बारे में बता देती हूँ, इसे मैं निकालूँगी नहीं। एंड आप अपने किट में एक लूफा ज़रूर रखें, मेरे पास एक लूफा है और एक मैंने ये एस्ट्रा में ये लूफा रखा हुआ है, तो आप ये लूफा भी अपने किट में ज़रूर रखें। और ये सावर कैप है, ये भी बहुत मस्ट है, तो आप इसे भी ज़रूर अपने किट में रखें। और अगर आप फेस मास्क यूज़ करती हैं तो आप 2-3 फेस मास्क ले सकती हैं, एक मैंने ये यूज़ कर लिया और एक ये है, तो आप इसे भी अपने किट में ज़रूर रखें। और ये वादी का स्क्रब है, इसे भी आप ज़रूर रख सकती हैं अपने किट में। और अगर आप सोप यूज़ करती हैं तो सोप यूज़ करें, नहीं तो फिर सावर जेल भी आप यूज़ कर सकती हैं। ये है मेरा सावर जेल, आप सावर जेल भी यूज़ कर सकती हैं। एंड फॉर फेस पैक आप सौंदर्य का ये एलोवेरा जेल, पतंजलि का। और फेस पैक अगर आपको मतलब आप कोई उस टाइप का बाहर का फेस पैक नहीं यूज़ करना चाहती हैं, घर में ही बनाना चाहती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ पतंजलि एलोवेरा जेल और ये विटामिन ई टैबलेट्स और ये और गुलाब जल एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें, हनी, ये हनी और ये वैसलीन जेली और ग्लिस्ट्रीन, ये सारी चीज़ें आप मिला के अपना एक फेस पैक बना सकती हैं घर पे ही। और ये है कैस्टर ऑयल, इसे भी आप अपने उसमें मिला सकती ले सकती हैं, किट में रख सकती हैं। और ये कोकोनट तेल, ये ज़रूर रखें क्योंकि ये मस्ट प्रोडक्ट है और ये सबके पास होता है। और इस तरह ये आमंड ऑयल, ये भी एज अ फेस पैक मैं यूज़ करती हूँ। और किचन से हल्दी और बेसन ले लें। एंड ये ममा अर्थ का ये शैम्पू है एंड ये ममा अर्थ का कंडीशनर है, और ये दोनों ऑयल है फॉर मतलब बिफोर मतलब बाल धोने के पहले और बाल धोने के बाद, और आप ये भी ले सकती हैं। एंड ये वीट भी ज़रूर रखें अपने किट में, और वी वॉश, ये भी बहुत मस्त प्रोडक्ट है, तो ये ज़रूर रखें। और आप चाहें तो इसका डिफरेंट ऑप्शन आप इसे भी यूज़ कर सकती हैं। एंड अगर आप फेस पैक में चंदन मिला के, चंदन की लकड़ी घिस के लगाना चाहती हैं, तो आप इसे भी लगा सकती हैं आराम से, अलग से अगर आपके पास चंदन की लकड़ी हो तो। या फिर आप फेस पैक नहीं बनाना चाहती हैं, सारे झंझटों से बचना चाहती हैं, तो फिर आप खादी का ये हर्बल पैक ले सकती हैं। इसका मैंने इसे परचेज़ किया है, तो ये बहुत अच्छा फेस पैक है और बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करता है फेस पे। या फिर आप ये एवर यूथ का या फिर लैक्मे का स्क्रब मार्क्स यूज़ कर सकती हैं, या फिर एवर यूथ का स्क्रब मार्क्स यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास लैक्मे और एवर यूथ दोनों हैं। और ये
और ये ब्रश है ब्रॉन्ज का, ये बहुत अच्छा ब्रश है, ओशियन प्रो, नहीं ये ब्रॉन्ज का नहीं है, ओशियन प्रोफेशनल का है। इसका इसका अप्लीकेटर बहुत अच्छा है, फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। एंड ये भी ले सकती हैं फॉर मेहंदी और बनाना जो का मार्क्स लगाते हैं सर पे उसके लिए, तो आप वो भी अगर आप यूज़ करती हैं तो आप ज़रूर लें। और ऑयलिंग के लिए, हेयर ऑयल के लिए आप ये, मतलब आप जो भी ऑयल लगाती हूँ, सरसों का तेल भी बहुत लोग लगाते हैं तो आप वो भी रख सकती हैं। और मेरे पास ये लोटस का भी स्क्रब है, मैं लोटस, लैक में, एवर यू तीनों यूज़ करती हूँ, तो तीनों का रखा है मैंने। और आप अगर आप CTM करते हैं तो ये टोनर बहुत ही अच्छा टोनर है, खादी का। और ये टोनर कुकुम्बर टोनर बायोटिक का, ये भी बहुत अच्छा है। और फेस मास्क लगाते टाइम ये हेड बैंड होता है, ये तो मैंने शादी के टाइम पे लिया था, तो ये तो मैं लेके आई थी, तो ये है। और ये पिमिक स्टोन और पैरों को साफ़ करने के लिए इसकी भी बहुत ज़रूरत है, तो आप किसी भी ब्रांड में जा सकती हैं या फिर लोकली भी मिलता है तो आप वो भी ख़रीद सकती हैं। और कैची, ये सीज़र्स तो बहुत ज़रूरी है, मेरे पास दो है, एक तो मिल ही नहीं रहा था मुझे, तो नहीं वो उधर रखा हुआ है। एंड ये गुलाब जल भी आप ले सकती हैं, बट इसमें पैराबिन हैशटैग इतना हुआ है पैराबिन का कि ये ऐसे ही रखा रह गया, बट कभी कदार लगाने से कुछ नहीं होता है। और अगर आप पेडिक्योर ये सब करती हैं तो आप VLCC में जा सकती हैं, VLCC वैसे 500 का, अगर आपको ये VLCC का नहीं है, नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो आप, मैंने ये खादी का मंगाया है 250 का, तो इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे तो मैंने मंगाया, तो अब मैं इसे ट्राई करके बताऊँगी कैसा है। और एक ऐसे पेडिक्योर मैनिक्योर करने का पूरा किट मिलता है, तो आप उसे भी परचेस कर सकती हैं, अगर आपके बजट के अंदर है तो आप उसे भी परचेस कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने शादी के टाइम पर लाई थी, तो मैंने आपको ये दिखा दी। और हाँ, ये गुलाब, डाबर गुलाबरी का ये फेस क्लिंजर भी है, मॉइस्चराइज़र भी है, रिफ्रेशर भी है, अगर कुछ नहीं लेना चाहती हैं तो आप ये भी लेके यूज़ कर सकती हैं, बट इसके अंदर पैराबिन है, तो आप सोच लें आपकी मर्ज़ी, आप लेना चाहते हैं तो अपने किट में ये सब शामिल कर सकती हैं। तो इसमें तो मैंने आपको सारा दिखा दिया, और इसमें एक छोटा सा मिरर रखा था वो भी। और जॉनसन बेबी, ये जो जॉनसन बेबी तेल है, आप इसको भी मैं उस, मतलब फेस पैक में मिला के लगाती हूँ, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड हाँ, ये नेल पेंट भी आप ज़रूर रखें, नेल पेंट तो सबसे ज़्यादा मस्ट है, इसे मैंने दिखा, इसे पहले नहीं दिखाया, ये लैक में एब्सोल्यूट का जेल स्टाइलिस्ट नेल पेंट है, और इसे मैंने कल रात में लगाया, सुबह बर्तन वॉश भी किया है, तो आप देख सकते हैं अभी तक, और ये बस मैंने एक ही बार अप्लाई किया था, तो आप इसमें जा सकते हैं। इसका थोड़ा रेंज हाई है, ये 250 का है, बट अगर आप नायका से परचेज करते हैं तो आई थिंक ऑफ में 200 में आराम से मिल जाएगा, बट अगर आप ये नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, ये भी लैक में ट्रू कलर है, 404 इसका सेट नंबर है, और लैक में ट्रू कलर नेल कलर है ये। और अगर आप, मतलब कोई भी हल्का फुल्का नेल पेंट लेना चाहते हैं बहुत सस्ता, तो आप इस तरह से बेस कोट और टॉप कोट भी रख सकते हैं, ताकि आप इसे अप्लाई करें और उसका लुक बहुत अच्छा है, तो सिंपल सा। और अगर आप LE18 में जाना चाहते हैं तो LE18 में ये लिप्स, ये जो नेल पेंट है ये बहुत अच्छा है, पिंक 24 इसका सेट नंबर है, एंड ऑरेंज का 88, मुझे ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, इसके इसकी मेरे पास दो है, एक शादी के टाइम की है और एक अभी है ये। और हाँ बस, और एक ये भी कलर है, ये इत्तेफाक से मैंने खरीदी है, बट ठीक है, 502 इसका सेट नंबर है, और ये अच्छी कलर है। और हेयर में आप इस टाइप के भी पिंस खरीद सकते हैं, जूड़ा बनाते टाइम इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। और अगला है मेरा, आप इस टाइप से हैंकी भी रख सकते हैं, ये मेरी शादी के टाइम की हैंकी है, जो अभी तक, इसमें से आधी मैंने यूज़ कर ली और आधी है, और ये हैंकी जो मैंने रिसेंटली में परचेज़ की है, और ये बहुत ही अच्छे दर्जन के हिसाब से 30-30 रुपए का मिल रहा था, तो मैंने रख लिया, बट अपने किट में हैंकी ज़रूर रखें, ज़्यादा ना रखें तो 3-4 रखें, क्योंकि ना देखिए मैंने इतना रख रखा है कोई फ़ायदा नहीं है, तो 3-4 से ज़्यादा ना रखें।
और नेक्स्ट है मेरा सुई धागा। आप इस टाइप से सुई धागा भी ला सकते हैं घर से, बट अगर आप ज़्यादा नहीं लाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ही ला सकते हैं, बट सुई धागा तो रखिए ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, इसकी ज़रूरत कब पड़ जाए पता नहीं। नेक्स्ट अपने बैग में ज़रूर, अपने किट में हेयर बैंड ज़रूर रखें, और अगर बहुत नहीं रख सकते तो आप एक या दो ही हेयर बैंड रखें, बट ज़रूर रखें अपने किट में। एंड नेक्स्ट है मेरा ये अपने किट में ये पैड भी ज़रूर रखें, ये भी मस्ट प्रोडक्ट है तो आप इसे ज़रूर रखें। एंड दूसरा अपने किट में ये कॉम्ब है, ये मेरा शादी के टाइम का कॉम्ब है और इसे मैंने बाद में लिया है, इस कॉम्ब को ये वेगा का मैंने लिया है, ये बहुत यूज़फुल है जब स्ट्रेट करते हैं अपने हेयर को। और हेयर सीरम भी आप अपने किट में ज़रूर रखिए, ये मस्ट है, ये लिवॉन का हेयर सीरम है और इसको मैंने पहले इतना यूज़ कर चुकी हूँ, ये वाला हेयर सीरम है और इसका नाम है स्ट्रेट्स है। और अपने किट में स्ट्रेटनर ज़रूर रखें, ये फिलिप्स के दोनों स्ट्रेटनर हैं और ये शादी के टाइम के मेरे स्ट्रेटनर हैं, तो आई थिंक इसको 1.5 साल तो हो ही गया है। और इस टाइप का ना नकली जूरा भी ज़रूर रखें, ये तो मैंने खुद का खरीदा है और ये ना थोड़ा सा मतलब पीछे का जो जूड़ा होता है बहुत अच्छा लगता है, और ये और न ये एक्चुअली इसका आज तक मैंने यूज़ नहीं किया, ये मेरे रिसेप्शन में मेरे बालों में पार्लर वाली ने लगाया था और ये मैं बाद में घर आ गई थी तो ये छूट गया था मेरे ही पास, तो इसे मैंने रखा है अभी तक। और ये तो हो गया हेयर केयर से रिलेटेड जितने भी हैं। और अपनी किट में इस टाइप के पायल भी ज़रूर रखें, ये देखिए ये बिछुए हैं एस्ट्रा में और ये पायल है, बहुत ज़्यादा भारी मतलब उस टाइम तो भारी जो ससुराल से या मायके से मिलता है वही पहनते हैं, बट ये भी मेरी मॉम ने मुझे दिया था तो ये मैं डेली मतलब कि किसी कोई शादी फंक्शन पड़ जाए तो इसलिए मैंने ये लिया था। बट इस टाइप का आप रख सकती हैं पायल एस्ट्रा में, जब मतलब पाँव ये बहुत भारी मतलब न पहनना हो तो आप सिंपल पहन सकती हैं। एंड नेक्स्ट है ये आप इस टाइप से सिंपल उस टाइम शादी के बाद तुरंत कांच की चूड़ियाँ पहननी होती हैं तो इस टाइप का कांच का चूड़ी, ये मेरी शादी की कांच की चूड़ी है और ये साड़ी मैंने अभी परचेज़ की है कुछ दिनों पहले, तो ये साड़ी है और मैं कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा पहनती हूँ, आपने तो मेरे वीडियो में देखा ही होगा, तो आप इस टाइप में चूड़ियाँ अपनी स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इस टाइप से आप कुछ बैंगल्स भी ले सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद सडनली घूमने जाना होता है तो फिर उस टाइम मतलब कि वहाँ पे तो चूड़ियाँ नहीं पहन सकते, तो इस टाइप के बैंगल्स आप कलरफुल पहन सकते हैं, ये मेरी शादी के टाइम के हैं और ये सब मैंने अभी परचेज़ किए हैं। या फिर आप इस टाइप के भी बैंगल्स रख सकते हैं बस हाथ में एक एक सूट पे पहनने के लिए, या फिर आप चूड़ा भी ले सकते हैं, बहुत लोग चूड़ा लेते हैं और मैंने भी लिया था चूड़ा, बहुत ही ज़्यादा लोग लेते हैं तो, और ये मस्ट प्रोडक्ट है तो आप अपने ये किट में इस चूड़े को भी ज़रूर रखें। एंड इस टाइप से आप इयररिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे बाहर घूमने जाना हो तो वहाँ पे सोने का सामान हम नहीं पहन सकते, तो इस टाइप से इयररिंग स्टोर करके आप इयररिंग भी रख सकते हैं। तो शादी के टाइम जब घूमने जाना होता है तो आप इस टाइप के नकली इयररिंग्स भी रख सकते हैं एंड ये नकली हाथ में भी पहनने के लिए रख सकते हैं, तो आप इस टाइप के इयररिंग्स थोड़े बहुत अपने लिए परचेज़ ज़रूर कर लें। और नेक्स्ट है हमारे किट में ये तो होना चाहिए, ये मस्ट है, क्योंकि हम मतलब ये जब पीठ में बहुत दर्द होता है तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आई थिंक ये 200 का मिलता है तो
आप इसे ज़रूर परचेज करें। और अपने किट में जैसे कि मेडिसिन के तौर पे आप मूव, पुदीन हरा और ये फेस वॉश, मतलब फेस वॉश ये तो घूमने, मतलब जब मैं घूमने गई थी तो इस तरीके से, क्योंकि शादी के 2-3 दिन बाद ही घूमने निकल गई थी तो इस तरह से मैंने पहले से ही सामान रख लिया था। आप ये भी ले सकते हैं, ये मतलब अचानक चोट लग गई हो तो कोई क्रीम ना हो तो आप ये बोरोलिन भी लगा सकते हैं। और झंडू बाम, ये डिटॉल और थोड़ा सा कॉटन और टूथपेस्ट ब्रश, ये भी मस्त प्रोडक्ट है तो अपने किट में ये ज़रूर रखें, ये तो सब रखता है। और ये हमारा हैंड सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही ख़रीद के शादी के टाइम रख ली थी पहले से ही। और ये मेरे सूटकेस का, सूटकेस में फ्री मिला था, VIP की सूटकेस मैंने खरीदी थी तो उस पर ये फ्री मिली थी। एंड आप इस टाइप का हैंड पर्स भी ज़रूर परचेज करें, अगर आप जैसे कि आप चाहे तो इस टाइप की थोड़ी एक्सपेंसिव भी ख़रीद सकते हैं। ये एलन सोली की है, और या फिर इस टाइप में अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो इस टाइप में हैंड पर्स ले लें, ये 100-200 में आराम से मिल जाएगी। और एक स्लिंग बैग भी ज़रूर लें इस टाइप में, और उसमें सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी सामान होते हैं वो ज़रूर खरीद, मतलब ज़रूर रखें, लाइक ईयरफोन एंड और क्या रखा है मैंने, हाँ ये है आधार कार्ड है, फ़ोटोज़ हैं और ये छोटी सी डायरी। एंड इस टाइप में ना ये थोड़े से चिल्लर भी रख लीजिए, और ये मैंने मंगलसूत्र भी नकली रखा ही हुआ है क्योंकि ना कभी बाहर जाओ और ऐसा जगह देख लो तो तुरंत मैं निकाल के ये नकली वाला पहन लेती हूँ। तो ये मेरी मम्मी हमेशा बोलती है तुम्हारा बैग क्यों इतना भारी रहता है, आई थिंक उनको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। और आप एक पैड हमेशा इमरजेंसी के लिए रखे रहें, आपको नहीं तो किसी और को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड या फिर आप इस टाइप का बिग बैग भी ले सकते हैं, नहीं तो ये स्लिंग बैग भी आप ले सकते हैं। एंड ये टॉवल तो ज़रूर होना चाहिए किट में, हर ब्राइडल किट में टॉवल ज़रूर होना चाहिए, तो ये टॉवल आप ले सकते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे डबल टॉवल दिया था तो एक टॉवल अभी यूज़ कर रही हूँ और एक ही बिल्कुल नया टॉवल है, तो ठीक है। एंड नेक्स्ट है मेरा ये, और इस टाइप का नाइटी भी ज़रूर परचेज करें, ये मेरी शादी की नाइटी है तो इसमें से ये वाला सेट मैंने अभी यूज़ नहीं किया, ये ऐसे ही रखा हुआ है। या फिर अगर आप ब्लू कलर में नहीं तो रेड कलर में वाइब्रेंट सेट में आप इस टाइप में नाइटी ले सकते हैं, या फिर अगर आप हाफ वाली नाइटी लेना चाहते हैं तो इस टाइप में भी आप नाइटी ले सकते हैं। एंड अब कुछ और बाकी है, हाँ ये फाइल्स, और इसमें सारे अपने इम्पॉर्टेंट फाइल्स डॉक्यूमेंट आप अपने जब शादी के टाइम ससुराल जाते टाइम आप इस टाइप में फाइल बना के ले जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ले गई थी। ये तो अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ की है, करीब रिसेंटली नहीं, एक साल पहले इसे परचेज़ की है, और इसमें मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं ये सारे, ताकि कभी भी हमको कोई दिक्कत ना हो किसी चीज़ में ढूंढने में। और ये सारे ज्वेलरी के रसीद हैं। तो अब मेरा वीडियो सारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें ले गई थी अपनी शादी में तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें दिखा दी। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप ज़रूर बताएं और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ, वो ब्राइडल से ही रिलेटेड है, तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।